But moving now to the Samajwadi Party, where of course a big SP huddle after its remarkable victory in Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav met all its winning MPs, all the Samajwadi Party winning MPs. In fact, now a lot of seats have fallen vacant as well, because Akhilesh Yadav, remember, now is an MP from Kannauj after his victory. So the leader of opposition's chair in Uttar Pradesh has also fallen vacant after that. So, you know, a lot of discussion on that. Listening to what Akhilesh Yadav had to say, and also one of SP's most prominent leaders, Shivpal Singh Yadav, he also spoke exclusively to NDTV. समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना, समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। ये जो बीजेपी की एक तरह से कहेंगे कि बीजेपी की सीटें कम हुई, उसके पीछे क्या पीडीए की जीत मानते हैं? समाजवादी पार्टी के जो स्ट्रेटजी थी वो एक वजह है, एंटी इनकम्बेंसी है, क्या लगता है ये आपकी जीत किस क्या वजह क्या? देखिए, चुनाव में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर माहौल पैदा किया था, और इस चुनाव में देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष को ख़त्म करना चाहते थे। झूठी रिपोर्टों से लेकर के सबके खिलाफ मुकदमा लिखा करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का भय पैदा करके, मुकदमा लिखा करके, छापा मार के ये करना चाह रहे थे अपने पक्ष में। लेकिन यहाँ की जो जनता ने चुनाव लड़ा, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो चुनाव लड़ा, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को पीछे किया है। और बीच बीच में कहीं पर भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने इस चुनाव में लगाया, और बेईमानी की भी कोशिश कराई,